नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के कानपुर में बीते महीने रेमडेसिविर की काला बाजारी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रासुका लगाया है। आरोपी सचिन के अलावा दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर यूपी में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन ले रही है। इसी सिलसिले में कानपुर में एक शख्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में एक माह पहले गिरफ्तार सचिन कुमार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NASA लगाया गया। कानपुर के पुलिस आयुक्त आसिम अरुण ने बताया कि एक माह पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में हरियाणा के सचिन कुमार के अलावा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सचिन कुमार के खिलाफ रासुका लगाया है। उन्होंने बताया कि सचिन के पास से बरामद इंजेक्शन जांच के बाद नकली पाए गए थे। करीब एक महीने पहले उत्तर प्रदेश STF और पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में सचिन के अलावा दो दवा विक्रेता प्रशांत शुक्ला, संतोष सोनी भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।